मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान के पास एक चॉइस होती है कि वो या तो नॉर्मल बन सकता है या कुछ खास बन सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लोग इसमें नॉर्मल बनना चूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल बनना आसान है, क्योंकि आपके आसपास देखोगे तो सब लोग नॉर्मल है, सब लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो आपको लगता है कि हम भी ऐसे जी लेते, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली आप। पर इसमें यही है कि आप भी नॉर्मल बन जाओगे, आप कुछ अलग नहीं कर पाओगे, आप कुछ स्पेशल नहीं कर पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे, अपने आप को अलग नहीं रख पाओगे, आप भी भीड़ में शामिल हो जाओगे, ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल में तो कोई मज़ा नहीं है। पर अगर आपको खास बनना है या आपको अपने आप को अलग रखना है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए चीज़ें अलग तरीके से करनी पड़ेगी, नॉर्मल तरीके से नहीं, ठीक है। अपने आसपास देख के चीज़ें कॉपी करना ये बहुत आसान है, हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, इसमें कुछ मेहनत नहीं लगती। पर अगर आपको चीज़ें अलग तरीके से करनी है तो उसमें मेहनत लगती है, आपको अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ जाना पड़ता है, तब जाके आप कुछ अलग तरीके से जीवन जीते हो या अलग चीज़ें करते हो या ज़्यादा मेहनत डालते हो, ठीक है। नॉर्मली सबके लिए नॉर्मल रूल्स होते हैं कि आप सुबह इतने बजे से काम शुरू करो, इतने बजे काम ख़त्म कर दो, नॉर्मल रूल्स। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन घंटों से भी ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, वो लोग अलग कर पाते हैं अपने आप को बाकियों से, ठीक है। जो लोग ज़्यादा डाल पाते हैं, जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो लोग बाकियों से थोड़ा अलग करते हैं, जो लोग सुबह जल्दी उठ के मेहनत करते हैं या रात को देर तक काम करते हैं, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपके पास चॉइस है, या तो आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो, जैसे सब जी रहे हैं, आम जिंदगी, कुछ नहीं है उसमें, आम जिंदगी है और उतनी बुरी भी नहीं है। पर एक होती है खास ज़िंदगी, जिसमें आप अपने आप को अलग रखते हो, आप एक अपनी आइडेंटिटी बनाते हो और वो ज़िंदगी जीते हो। तो इन दोनों में से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सी लाइफ जीनी है, किस तरीके से जीनी है। नॉर्मल जीनी है तो नॉर्मल जी लो, कोई हर्ज ही नहीं है। पर अगर आपको स्पेशल जीनी है तो उसमें एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, उसमें ज़्यादा डालना पड़ता है, उसमें और ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा अलग तरीके से चीज़ें करनी है जिसे सब नहीं कर रहे, और उसको करने के लिए आपको डेयरिंग होना पड़ेगा, कि आपको बोल्ड होना पड़ेगा कि मैं ऐसे अलग चीज़ें कर सकता हूँ और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग इस तरीके से नहीं कर रहे, मेरे को पता ये सही तरीका है तो मैं ये करूँगा। तो ये चॉइस आपको करनी है कि आपको आम ज़िंदगी जीनी है या खास ज़िंदगी। अभी बहुत ज़्यादा चांस है कि आप आम ज़िंदगी जी रहोगे, आप सबके टाइम पे उठ रहे होगे, सबके टाइम पे सो रहे होगे, सबके टाइम पे काम कर रहे होगे, सबके टाइम पे काम ख़त्म कर रहे होगे, सबके टाइम पे खा रहे होगे, सबके टाइम पे सो रहे होगे। पर ये आम ज़िंदगी है, ये आपको मैं बता देता हूँ कि एक खास ज़िंदगी जो होती है वो अलग होती है इससे, उसमें ज़्यादा मेहनत होती है, उसमें बाकियों की तरह लाइफ नहीं होती, उसमें बाकियों की तरह आप सोशल मीडिया नहीं चला रहे होते सर टाइम, उसके उसमें बाकियों की तरह आप यूट्यूब में इसको स्क्रॉल कर रहे होते, ठीक है, वो सब चीज़ें आप नहीं कर रहे होते, आप मेहनत पे फोकस करते हो, आप अपने आप को बनाने पे फोकस करते हो, अपने आप को निखारने पे फोकस करते हो, ये थी खास ज़िंदगी। तो आपको देखना है कि आपको आम बनना है खास बनना है, बुराई किसी में भी नहीं है, बस एक चॉइस है। पर मेरा ये ख्याल है कि आपको एक ही लाइफ मिलती है, एक ही ज़िंदगी मिलती है, और उसको भी अगर आप आम ज़िंदगी की तरह जी लोगे या आम तरीके से जी लोगे तो आपको वही मिलेगा जो बाकी सबको मिला हुआ है। तो अगर आपको वही देखना है तो आप बाकियों को ही देख लो कि क्या होता है। पर अगर आपको देखना है कि खास बन के क्या होता है तो उसके लिए आपको खुद करना पड़ेगा, खुद मेहनत डालनी पड़ेगी, तब पता लगेगा कि खास बनने पे क्या होता है। मेरे ख्याल में एक ही ज़िंदगी है, खास बन के देखो, आम बन के क्या करना है, खास बनो।